हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार भूगोल के अंतर्गत आज देखेंगे बिहार में जलप्रपात तथा बिहार में झील। पहले बिहार में जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं, बिहार में कौन कौन से जलप्रपात हैं और जलप्रपात किसे कहते हैं। बिहार में जलप्रपात तो यह मूलतः सीमांत पठारी क्षेत्र में है। जलप्रपात कहाँ है बिहार में? तो सीमांत पठारी क्षेत्र में है, जैसे रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, गया हो गया, नवादा में है, तो यहाँ पर जलप्रपात है। जलप्रपात कहाँ कहाँ है? रोहतास में पाया जाता है, कैमूर में पाया जाता है, गया में पाया जाता है, नवादा में पाया जाता है, इन जिलों में। जैसे पहला जलप्रपात हम देखते हैं ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो यह सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है नवादा जिला में। नवादा में ककोलत जलप्रपात कहाँ है? यह सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात कहाँ है? नवादा में, जो ककोलत पहाड़ी में स्थित है। ककोलत पहाड़ी में स्थित होने के कारण से ककोलत जलप्रपात पड़ा है। कहाँ? ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई 160 फीट है और मीटर में 47 मीटर होगा। फीट में 160 फीट और मीटर में 147 मीटर है। और मुख्य प्रपात जो है, उसमें से सबसे मुख्य प्रपात है, उसकी ऊंचाई 80 फीट है, यानी 24 मीटर है। इसका निर्माण, मतलब ककोलत जलप्रपात का निर्माण कोडरमा की पठार से उतरने वाली सात धाराओं से मिलने से हुआ है। कोडरमा की पठारी से सात धारा उतरती है, उसी धारा से इसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? ककोलत जलप्रपात का। दूसरा जलप्रपात है सुखलदरी जलप्रपात। यह बिहार व यूपी की सीमा पर स्थित है। कहाँ है? यह बिहार व यूपी की सीमा पर स्थित है। कन्हर नदी पर है और रोहतास जिला में है। ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में था और सुखलदरी जलप्रपात जो है रोहतास जिला में है। इसके बाद दुर्गावती जलप्रपात यह रोहतास जिला के छानपापड़ नामक स्थान पर है। इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। दुर्गावती नदी पर है। यह भी रोहतास जिला में ही है। दुर्गावती जलप्रपात भी रोहतास जिला में है और दुर्गावती नदी पर है। इसके बाद धुआं कुंड जलप्रपात यह धोबा नदी पर है। कहाँ? रोहतास जिला में ही धोबा नदी पर है। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास जिला में ही धोबा नदी पर है। इसके बाद है खुआरी दाह जलप्रपात। यह भी रोहतास जिला में ही है। आसानी नदी पर है, रोहतास जिला में है। इसके बाद राकीम कुंड जलप्रपात यह भी रोहतास जिला में है और गायघाट नदी पर है। इसके बाद है ओखारीन कुंड यह भी रोहतास जिला में है। कहाँ है? गोपथ नदी पर है। ओखारीन कुंड कहाँ है? रोहतास जिला में है, गोपथ नदी पर है। इसके बाद स्वारा जलप्रपात कहाँ है? ये भी रोहतास जिला में है और पूर्वी स्वारा नदी पर है। इसके बाद देवदारी जलप्रपात यह भी रोहतास में है और किस नदी पर है? तो कर्नाशा नदी पर है। इसके बाद तेलहर कुंड जलप्रपात यह भी रोहतास में है और यह पश्चिमी स्वारा नदी पर है। जैसे पूर्वी स्वारा नदी पर स्वारा था और तेलहर कुंड कहाँ है? पश्चिमी स्वारा नदी पर। यह भी रोहतास जिला में। तो इस सारा के सारा रोहतास जिला में ही एक केवल नवादा जिला में और एक बिहार यूपी सीमा पर है। सुखलदरी जलप्रपात बिहार यूपी सीमा पर है। ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में है। बाकी जितना देखें दुर्गावती जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, खुआरी जलप्रपात, राकीम कुंड जलप्रपात, ओखारीन जलप्रपात, सुवारा जलप्रपात, देवदारी जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात, सारा के सारा रोहतास जिला में है। तो ये जलप्रपात देख लिया। इसके बाद बिहार में झील के बारे में देखते हैं। तो बिहार के मैदानी भागों में अनेक प्राकृतिक झील है। मुख्यतः गोखुर झील। इससे पहले हम गोखुर के बारे में बताए थे। नदी जब अपना रास्ता बदल देती है, जैसे नदी उससे बना हुआ जो झील होता है
उसी को हम क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। तो वही हो गया गोखुर, मुख्यतः गोखुर झील है। झील नुमा जलमग्न क्षेत्र को उत्तर बिहार में, झील नुमा जलमग्न क्षेत्र को उत्तर बिहार में क्या कहा जाता है, उत्तर बिहार में ताल कहा जाता है, चौर कहा जाता है, मन कहा जाता है, आदि कहा जाता है, आदि नामों से इसको जाना जाता है। बिहार की प्रमुख झीलें, बिहार के प्रमुख झील कौन कौन है, सबसे प्रमुख है, सबसे फेमस है कांवर झील, जिसे कांवर ताल झील भी कहते हैं, कांवर झील इसे कांवर ताल झील भी कहते हैं। यह बेगूसराय के मझौल गांव में स्थित है। बेगूसराय के कांवर झील या कांवर ताल झील जो है यह बेगूसराय के मझौल गांव में स्थित है, मझौल गांव में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 67.5 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 67.5 किलोमीटर स्क्वायर में है। यह एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, यह एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, कौन तो कांवर झील। कांवर झील जो है एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। इसका निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है, गंडक नदी के विसर्पण मतलब गंडक नदी के मार्ग बदलने से हुआ है। तो इसका निर्माण किससे हुआ है, गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। इस झील में जाड़े के दिनों में साइबेरियाई क्षेत्र के प्रवासी पक्षी आते हैं, जाड़े के दिन में यहाँ पर साइबेरिया के क्षेत्र के पक्षी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर शोध कार्य के लिए बर्ड बैंडिंग स्टेशन भी है, शोध कार्य के लिए पक्षी पर शोध कार्य के लिए बर्ड बैंडिंग स्टेशन की भी स्थापना की गई है, बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई। जाड़े के दिनों में लगभग 60 प्रजाति के पक्षी साइबेरिया से यहाँ आते हैं, 60 प्रजाति के पक्षी साइबेरिया से यहाँ आते जाड़े के दिनों में, जबकि 106 प्रजाति जो है यहाँ पर निवासी करती है, 106 प्रजाति यहीं पर परमानेंट निवास करती है, और जाड़े के दिन में 60 प्रजाति साइबेरिया से यहाँ आती है। झील के क्षेत्रफल में लगातार कमी हो रही है, झील के क्षेत्रफल में लगातार कमी हो रही है। इसके बाद दूसरा है कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है, यह दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में है, यह दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में है स्थित है। यह इसमें जो है कमला नदी द्वारा इसमें जलापूर्ति की जाती है, इसमें कमला नदी द्वारा जलापूर्ति की जाती है। यह मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, यह मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भी जाड़े के मौसम में साइबेरियाई पक्षी आते हैं। तो सब प्रमुख दो झील हो गया, कौन कांवर झील या कांवर ताल झील जो बेगूसराय में है, और दूसरा है कुशेश्वर स्थान झील जो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में है। इसके अलावे कई अन्य और झील से हैं, जैसे घोघा चाप झील। घोघा चाप झील का है मनिहारी कटिहार में, घोघा चाप झील मनिहारी कटिहार में है। सिमरी बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील का है सिमरी बख्तियारपुर में है, सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर में है। उदयपुर झील उदयपुर में है, कहाँ पश्चिम चंपारण के उदयपुर में है, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण के उदयपुर में है। भुसाना मन मुजफ्फरपुर के भुसाना में है, भुसाना मन मुजफ्फरपुर के भुसाना में है। ब्रह्मपुरा मन मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में है। केसरिया चौर यह मोतिहारी में है। चैता चौर यह पश्चिम चंपारण के पिपरी पकड़ी में है, पिपरी पकड़ी में चैता चौर पश्चिम चंपारण के पिपरी पकड़ी में है। इसके बाद मानसी चौर, मानसी चौर कहाँ है तो खगड़िया के फुलिया खार में है, खगड़िया के फुलिया खार में मानसी चौर है। मानसी चौर कहाँ है, खगड़िया के फुलिया खार में है। इसके बाद भरथुआ चौर यह मुजफ्फरपुर के भरथुआ में है, भरथुआ चौर मुजफ्फरपुर के भरथुआ में है। इसके बाद भागवा चौर कहाँ है तो सहरसा के बलुआ बाजार के नज़दीक है, भागवा चौर जो है सहरसा के बलुआ बाजार के नज़दीक है। इसके बाद बोरा चौर कहाँ है तो सहरसा के खरकत्ता ताल में है, सहरसा के खरकत्ता ताल में है। बोरा चौर कहाँ है तो सहरसा के खरकत्ता ताल में है। इसके बाद परवा मुरली चौर यह कहाँ है तो सहरसा के कुमार गेज के पास है। कौन परवा मुरली चौर जो है कहाँ है, सहरसा के कुमार गेज के पास है। इसके बाद मुरादपुर चौर कहाँ है तो सहरसा के मुरादपुर में है, मुरादपुर चौर सहरसा के मुरादपुर में है। इसके बाद हरिया चौर कहाँ है तो सहरसा के अकीलपुर में है, सहरसा चौर हरिया चौर कहाँ है तो सहरसा के अकीलपुर में है। इसके बाद राघोपुर चौर,
राघोपुर चौर वैशाली में बहुत ही फेमस है राघोपुर चौर। तो यह भी झील में ही गिनती होता है, इसका भी झील में ही गिनती होता है। इस तरह से आज हमने बिहार में जलप्रपात और बिहार में झील के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से देख लिए हैं। इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।